हेलो फ्रेंड्स, मैं गाज़ियाबाद पहुंच चुकी हूं और गाज़ियाबाद में अपनी मम्मी के यहां से अब जा रही हूं अपनी फ्रेंड के यहां मिलने के लिए। ये है जलेबी चौक और यहां पर पहले हमारा भी घर था, तो मैं वहां पर भी जा रही हूं। ओहो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? कहाँ है उधर मचा रहा जो खा रहे भैया परमजीत कहाँ गए परमजीत? हेलो तो कर लो। ये दिखा रहे हो हैं? ये देखो, ये परम की बर्ड है ना। परम परम देखेगा नहीं अब कैमरा चालू। बुआ जी कह रही वीडियो बना रहे। चलो इधर देखो, गुड बॉय बन जा। तो सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो। सेल्फी ले ले, सेल्फी दे दो थोड़ी सी। क्यों? कल मैं हमारे पड़ोस में जो आंटी रहती थी उनके यहाँ और मेरी मौसी के यहाँ सब जगह घूम के आई। अब आ जाई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ। वो मेरी फ्रेंड भी है और रिलेटिव भी है, पर हम दोनों फ्रेंड ज़्यादा है। तो आज आई हूँ उनके घर पे। यहाँ सबके घर बने हुए हैं और बीच में ये गार्डन है। ये चल रहे हैं हमारे गप्पे, क्योंकि हमारी सब फ्रेंड वगैरह सब एक जगह इकट्ठे होके हम लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मुझे निकलना भी है यहाँ से। क्रिश कहाँ हो? जरा लाइट जलाओ, जरा भगवान के भी। ये सब कान्हा जी, जाने का रास्ता। ये क्रिस का रूम, क्रिस का स्टडी रूम है। क्रिस यहाँ पढ़ाई करता है। अंश की तरह उसका भी एक रूम है, वो भी अपने रूम को ऐसे ही रखता है साफ सुथरा। ऊपर बना के लाओ। कितनी मंजिल है तुम्हारा घर? चार मंजिल। आए चढ़ते चढ़ते है ना। एक बच्चा रहता है, ऑफिस गए। क्रिस ऊपर तो शायद दरवाजा। अब चलते छत की तरफ। यहाँ से पूरा गाजियाबाद दिखेगा। आज टेम्परेचर भी काफी कम है, बारिश भी हो रही है। घना बच गया, चारों तरफ घर ही घर। स्कूल दूर दूर था। ये क्रॉसिंग बारिश आ गई। गिरीश जहाँ जाते वहाँ पे बारिश करवा देते हम, कहीं भी जाते तो बारिश। अब मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के यहाँ और ये गाजियाबाद में मेरा सेकंड दिन है। सभी लोगों के घर मिलने जाने में पूरा टाइम चला गया और मिलना भी ज़रूरी है। इतने दिनों बाद मैं आई हूँ, अब पहुँच गई हूँ अपने सासू माँ के और देवरानी के घर पे। तो हमारा स्वागत हो रहा है, मैक्स हमारा स्वागत कर रहा है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
अब मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के यहाँ, और यहाँ पे ई रिक्शे की सुविधा अच्छी चल गई है। 10-10 रुपये में देख कर आप बैठ जाओ और कहीं भी जा सकते हैं। ये है DPS स्कूल, और गाजियाबाद पहले से बहुत डेवलप हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है गाजियाबाद। और ये जो आगे रोड जा रहा है मोहन नगर के लिए जा रहा है, और एक रोड ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लिए जा रहा है। यहीं से देखिए कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं, और काफ़ी गौहर सिटी का ये प्रोजेक्ट है, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और काफ़ी लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। और इसके पास ही हमारा एक प्लॉट है, तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ। वहाँ पे तो अभी ज़्यादा किसी ने घर नहीं बनाए हैं। कुछ होगा फिट विट, ये दीवार पर पिछली बार तो नहीं लगी थी, मैं आई थी तब है? पिछली बार आई थी तब दीवार थी क्या? अच्छा दीवार थी। ये देखो कैसे डब्बे जैसे घर बने, कितने मंजिल हैं पता। अब आ गई हूँ मैं अपनी भाभी के घर। ये भाभी की पोतियाँ हैं दोनों, और बहुत ही क्यूट हैं दोनों। और उनका घर बाईपास पे कमला टॉकीज के पास था, तो हमने उनका नाम ही रख दिया बाईपास वाली भाभी। और यहाँ पर रोड काफ़ी बड़ा बन गया है, मैं तो अगर भाभी के साथ नहीं आती तो कंफ्यूज हो जाती अकेली। तो इसके बाद में तीसरा दिन है, और सुबह सुबह मैं आई हूँ लाल कुएँ पे। यहाँ पे भी हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पर भी मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि इतने सालों बाद गाजियाबाद आई हूँ तो सबके घर मिलने जाना पड़ता है। यहाँ पर पहले मैं मंदिर जा रही हूँ, हम भी यहाँ पर गाजियाबाद में 15 साल रह के गए हैं। मैं तो आ रही थी, फिर जीतू को फ़ोन किया, जीतू ने फ़ोन नहीं उठाया। जीतू के तबीयत तो खराब है, भर्ती रहे आया। अच्छा है? ओपन किचन है ये आंगन, तुम्हारी मम्मी का ये मेरी फ्रेंड का घर है, फ्रेंड भी हैं और रिलेटिव भी हैं, और उनके घर गेस्ट आए हैं, तो वो लोग को भी पूरे दिन काम करती हैं बच्चों के लिए। और ये घर को जैक की मदद से ऊपर उठाया, पहले ये घर नीचे था तो कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो मुझे भी देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले भी आई थी। अब इस घर को रोड से काफ़ी ऊपर उठा लिया है, वो नई तकनीक से किया है। मैं उनको बोल रही थी कि मुझे भी वीडियो भेजना, मैं भी देखूंगी कैसे किया। यहाँ का मार्केट, और भी मुझे थोड़ा काम था, स्टैम्प पेपर बनवाने आई थी, वो स्टैम्प पेपर बनवा दिया है। और आज ही मेरी ट्रेन है, अब सारे काम निपटा के अभी मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए भी जाना है। तो ये सब मेरी फ्रेंड्स ही हैं, और सबसे मिलते मिलते का टाइम 3 दिन का टाइम पता ही नहीं चला, ट्रेन का टाइम भी होने वाला है।